बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीरस आप कैसे हैं? इंशाल्लाह अपनी जगह पे खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्लाह के फजल व करम से। और आज अल्लाह के हुक्म से मैं रेसिपी बनाने लगी हूँ। ये 1.5 कप के लगभग मिल्क पाउडर है और ये चीनी, साथ में प्याले में नारियल है। ये आज मैं मिल्क पाउडर और नारियल की बर्फ़ी बनाने वाली हूँ। वीरस आप मेरे साथ हैं, इंशाल्लाह अब मैं शुरू करती हूँ। बस ये मैंने चास के लिए पानी रखा है, इसमें ये मैं चीनी ऐड कर दूँगी। बस करना क्या है कि इसे एक धार की मैंने चाशनी बनानी है। जैसे इसे एक दो उबाले आएंगे बस इसे मैं उतार दूँगी। भी इसे मैंने 1 कप घी लिया है, थोड़ा सा मैंने इसे गुनगुना कर दिया है। ये अब मैं मिल्क पाउडर में ऐड करूँगी। अब मैं इसे चमचे की मदद से मैं इसे मिक्स करूँगी। जितना घी इसने लिया इसमें मैं इतना डालूँगी। ये आटे की तरह हल्की सी डो बन जाएगी। इसे और भी चाहिए, ये मैं सारा डाल देती हूँ ऐसे। अब इसके लिए ये घी काफ़ी है। बस ये चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है। अब थोड़ा सा मैं इसे पकाऊंगी कि थोड़ा सा ये चिपचिपा सा बन जाए। चास मेरी बन चुकी है, हल्की सी ये इसमें एक तार बन चुकी है, चिपचिपी सी हो चुकी है। अब इसमें मैं ये बर्फी जो बनाई है इसमें ऐड करूँगी, मिल्क पाउडर जो मैंने बनाया है। बिकॉज ये देखे अच्छी तरह इसे मैं इसमें मिक्स करूँगी। ये चंद कतरे मैं इसमें वनीला एसेंस डालती हूँ खुशबू के लिए। अब इसे मैं अच्छी तरह इसकी गुलटियाँ वगैरह मेल्ट करूँगी, फिर थोड़ी देर इसे मैं पकाऊँगी। बिकॉज ये बर्फ़ी मेरी हल्की सी बन चुकी है, इसमें मैं अब ये नारियल भी ऐड कर देती हूँ। बस 5 मिनट और बनाऊंगी इसे। खुशबू बहुत बेहतरीन आ रही है माशाल्लाह, देखने में भी अच्छी लग रही है। अब जल्दी जल्दी मैं इसे बस चमचा लाऊंगी तो बनाऊंगी। अब मैं इसे एक ट्रे में निकालती हूँ। पहले से ग्रीस करके बटर लगा दिया था क्योंकि बटर से ये बहुत जल्दी आसानी से निकल जाएगी। बिकॉज बटर पेपर मैंने लगाया था, सॉरी। ये अब मैं एक तरफ करती हूँ, ठीक हो जाएगी। ये बिकॉज जो ये दाने नज़र आ रहे हैं ये काले काले इलायची के दाने हैं, जो मैंने आपको बता नहीं सकी इलायची मैंने डाली है। दाने निकाल के मैंने इसमें डाले। अब जैसे ही ये बन जाएगी, ठीक हो जाएगी, जम जाएगी अपनी जगह पर, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। बिकॉज ये बर्फ़ी मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ी थी, लेकिन ये अभी ठीक तरह जम चुकी है। अब मैं इसे काट के आपको दिखाती हूँ। बस ये बर्फ़ी काट ली है, मज़े मज़े की कितनी चमकदार है। ये मैंने थोड़ा सा केवड़ा डाला था जिससे चमक बर्फ़ी में बहुत ज़्यादा आई है माशाल्लाह। तो कमेंट करके ज़रूर बता दिया करेंगे ये जो भी चीज़ बनाते हैं आपके लिए आपको कैसी लगती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल का भी बटन दबाएं, लाइक भी ज़रूर करें और दोस्तों से भी शेयर किया करें। तो मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़। आप जहाँ भी हैं खुश रहें, खुशहाल रहें, आज़ाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।